हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू गेम प्ले वीडियो और स्वागत है आपका एक और ड्राइव जोन ऑनलाइन के गेम प्ले वीडियो। और गाइस, आज तुम्हारा भाई ऐसी कार खरीदने वाला है इस गेम में, भाई तुमको मजा आ जाएगा क्योंकि आज हम लोग कोई ऐसी वैसी छोटू मोटू गाड़ी नहीं परचेज करने वाले कि भाई ये परचेज कर लिया वो परचेज कर लिया। भाई आज तुम्हारा भाई जो ही खतरनाक गाड़ी परचेज करेगा ना, वो गाड़ी क्रिएट में है। आज तुम्हारा भाई डीजीओ से क्रिएट ओपनिंग भी करेगा, देखते हैं अपने को वो गाड़ी मिलती है कि नहीं। फिलहाल गाइस, तुम्हारा भाई यहाँ पे 4x4 क्लब का ये वाला ऑफ रोड वाला मैच खेल रहा है अपनी हुली मान के साथ। लेकिन यार सामने देखो भाई, वो 6x6 की जो जीप है ना, जिसपे कराम लिखा हुआ है, वो आगे चली गई। लेकिन क्या इस मैच को अपन जीत पाए? अरे भाई कोमांची भी आगे चली गई गाइस। यार अरे ये देखो गाइस, ये पीछे से ठोक रहा है, शायद से हुलीमान वाला है। लेकिन अरे भैया गाइस, ये सारे के सारे यहाँ पे आगे जा चुके हैं। यार मेरी गाड़ी एक बार ठुकी। अरे भाई वो शायद से ना वो जीप वाले को उठा के फेंक दिया। मेरे को बताओ गाइस हुआ क्या वहाँ पे। लेकिन आओ, तुम्हारा भाई फोर्थ पे हो चुका है और ये जीप वाले को पीछे कर दिया मैंने। अब ये सामने की तरफ एक लाल कलर की हुलीमान चल रही है। और अरे यार ये ठोकता है गाइस, इसकी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हुलीमान चलेगी और वो है तुम्हारे भाई काम भाई की। रुको अभी इसको पीछे कर दूंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है इसको ना। अरे यार ये तो आगे जाया जा रहा है। ओके गाइस, इसको पीछे कर दिया, कब तक ही आगे जाएगा गाइस। अभी फिलहाल यार ये फर्स्ट पे ये कोमांची वाला बंदा कैसे चल जाता है मेरे को बताओ। लेकिन आओ गाइस, कोमांची वाले को भी पीछे कर दिया ना भाई, शायद से कर ही दिया। हाँ गाइस, कोमांची वाले को भी पीछे कर दिया, तुम्हारा भाई आ चुका है फर्स्ट पे। यार ऐसे कैसे हारेंगे भाई, कोमांची हो। अरे ये देखो भाई, कोमांची का नाम लिया भाई, ये कैसे आगे जा सकता है। अरे यार ओके, अरे भाई ये तो आगे पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन फाइनली उसको मैंने पीछे कर दिया है। यार इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी इस क्लब में है और आगे कौन जाता है, वो कोमांची वाला। सीरियसली भाई मैं तो भैया हैरान हूँ। लेकिन यार ओ भाई ये देखो गाइस, फिर से आगे जा चुका है भाई। सिर्फ यहाँ पे 15-16 चेक पॉइंट बाकी है। अगर मैं इस मैच को हार गया, क्योंकि यार पहला मैच अपुन ने पिछले एपिसोड में खेला था जब अपुन ने अपनी खतरनाक बगताता को परचेस किया था। अभी आओ, अभी ये दूसरा मैच है, इसको तो जीतना पड़ेगा गाइस, ये कोमांची वाले को। एक सेकेंड, अभी इसको पीछे करता हूँ। ओके भाई अचानक से कैसे आगे जा रहा है यार, अभी तक तो ये पीछे हो जाना चाहिए था गाइस। मेरे को लगता है अपुन हारेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई हार नहीं मान रहा भाई, ये तो पंगा कर रहा है गाइस, ये मेरे से पूरा पंगा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पंगा गलत इंसान से कर रहा है गाइस, अभी बताता हूँ इसको। अभी तक ये आगे चल रहा है, सिर्फ 5 चेक पॉइंट बाकी है, क्या मैं इस रेस को जीत पाऊंगा। ओके आओ, ये ठुका और इसी बात का फायदा उठा के तुम्हारा भाई यहाँ पे फर्स्ट पे आ चुका है। अरे यार आया बड़ा भाई, जाके कहीं और कोमांची चलाना अपनी, यहाँ पे मेरी रोल्स रॉयस के सामने कोमांची चला रहा है। इस मैच को तुम्हारा भाई ने जीत लिया। अब सीधा चलते भाई उस खतरनाक गाड़ी के पास। ओके गाइस, तो अभी उस खतरनाक गाड़ी को तुम्हारा भाई निकालने वाला है, बस थोड़ा सा और वेट करो। फिलहाल यहाँ पे नया सीजनल कैलेंडर आ चुका है, लेट्स सी इस बार अपने को सीजनल कैलेंडर में कौन सी गाड़ी मिलेगी। ओके गाइस, ये गाड़ी शायद से, यार ये बॉडी किट के साथ है, पहचान में नहीं आ रही, लेकिन शायद से ये जीटी क्लासिक है। अरे यार 28वें दिन पे अपने को ये जीटी क्लासिक मिलेगी भाई, तुमको अगर चाहिए तो डेली लॉगिन करो, आपको ये गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। यार मैंने सोचा था कोई नई गाड़ी आएगी, लेकिन छोड़ो, अब टाइम आ चुका है उस खतरनाक गाड़ी को निकालने का। वो गाड़ी गाइस ये देखो, पोर्शे 918 स्पाइडर भाई, ये गाड़ी एक लेवल की मिल रही है यहाँ पे क्रिएट में। तो आज गाइस अपना पहला स्पिन 30 डीजीओ का, क्या लगता है गाइस क्या अपने को ये गाड़ी मिलेगी, लेट्स सी। ओके ओके कम ऑन, अरे यार मेरे को पता था यार ये इतने जल्दी गाड़ी नहीं देंगे। अभी अपन और क्रिएट खोलेंगे, टेंशन मत लो। अभी अपने को ये पोर्शे की स्किन मिली है, शायद से ये वाली पोर्शे मेरे पास है, तो आ जाओ भाई। काफी सारा स्किन हो चुका है मेरे पास गाड़ियों का। लेकिन आओ, अभी जो अपने को पोर्शे वाली स्किन मिली है, ये वाली, इसको अपनी पोर्शे में इंस्टॉल करा देते हैं। अपनी पोर्शे कुछ इस तरीके की दिख रही है, हड्डी वाला स्किन, हड्डी और गुलाबी गाइस। लेकिन आओ गाइस, फिलहाल चलते हैं अपन और क्रिएट खोलने 55 डीजीओ का अगला स्पिन, लेट्स सी भाई क्या होता है। कम ऑन यार, पोर्शे दे दो यार प्लीज, मेरे साथ कुछ अच्छा कर दो।
अरे भाई ये होली मान का स्किन मिला है मेरे को, जो कि यार इतना कुछ खास भी नहीं है, ऐसा लग रहा है मतलब बचकाना सा स्किन है। होली मान का स्किन देख के मेरे को एक चीज याद आई, मेरे पास यहाँ पे एक इलाइट वीआईपी का स्किन है, गाड़ी नहीं है वो छोड़ो यार, ये स्किन देखो बंदर वाला भाई क्या तगड़ा है, ये गाड़ी भी परचेज करनी पड़ेगी अपने को। आ जाओ यहाँ पे मैं अगला स्पिन करने जा रहा हूँ जो की 80 DZO का है। यार 80 DZO लगा दिया यार, कम से कम कपड़ा दे दो, गाड़ी तो यार ये क्यों GTR यार क्यों भाई, ये कौन सा स्किन दिया, सीरियसली भाई कुछ भी नहीं दिया। अब आप सोच रहे होगे यार आपके पास तो DZO बचा ही नहीं, तो आप इस गाड़ी को कैसे निकालोगे। यार देखो मैं बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, मेरे को पता यहाँ से वो गाड़ी मिलेगी नहीं, तुम्हारे भाई ने उस गाड़ी को परचेस पहले ही कर लिया है। आप लोगों को क्या लगा भाई मैं वहां पे स्पिन करते बैठूंगा और फिर वो गाड़ी निकालूंगा, भाई वहां पे मैं कंगाल हो जाऊंगा और वो गाड़ी अपने को आखिर में मिलेगी, इसलिए भाई स्पिन वगैरह के चक्कर से तुम्हारा भाई दूर रहता है। फिलहाल गाइस जरा देखो पीछे वो क्या खड़ी है भाई, वहां पे देखो जरा F90 को तुम्हारे भाई ने मार्केट से परचेज कर लिया है। और ये गाड़ी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे 4500 DZO के अंदर मिली है, मतलब यार ठीक है 4500 DZO, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ एक लेवल की है। सीरियसली भाई ये गाड़ी सिर्फ एक लेवल की 4500 DZO में तुम्हारे भाई ने परचेस की है, तो एक लाइक ठोक देना। और इसका आप खतरनाक वाला स्किन भी देख सकते हो। अभी चलो गाइस सबसे पहले इस गाड़ी का प्यारा साउंड सुनते हैं। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी तक मेरे पास जितनी भी कार है ना, इस गाड़ी का साउंड मेरे को उन सबसे ज्यादा बेटर लगा भाई, क्या खतरनाक साउंड आ रहा है गाइस। और ये गाड़ी मैं आपको याद दिला दूं सिर्फ एक लेवल की है भैया, और वहां से आप क्रिएट में भी इसको निकालोगे ना स्पिन वगैरह करके, तब भी आपको ये गाड़ी एक लेवल की ही मिलने वाली है। तो गाड़ी गाइस खतरनाक प्लस एक्सपेंसिव है भाई। अभी आओ, ओ भाई भाई सीरियसली ये गाड़ी एक लेवल की हो के यार इतनी ज्यादा खतरनाक है भाई, ये देख रहे हो। एक सेकंड रुको, यहाँ पे इसको रोक दिया, अभी देखना भाई ये गाड़ी का एक्सेलरेशन भाई एक लेवल वाली गाड़ी के जैसा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है गाड़ी मैक्स है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दूंगा ये गाड़ी भाई सच में एक लेवल की है। सीरियसली यार इस गाड़ी को अगर मैक्स कर दिया ना गाइस, ये गाड़ी को अगर मैक्स कर दिया भाई ये गाड़ी फाड़ देगी भाई, कुत्ता बना देगी रेस में भाई, ऐसा बजाएगी ना। लेट्स सी भाई इसका टॉप स्पीड जानने के लिए तो मैं भी बेताब हूँ, क्योंकि एक लेवल की गाड़ी भाई, चल जा भाई तू 300 क्रॉस कर दे भाई, एक लेवल की गाड़ी गाइस पोर्शे F90 भाई, क्या मजेदार गाड़ी भाई, 918 स्पाइडर, अभी इसको मैं 911 बोलने वाला था, पोर्शे 911 कुछ ज्यादा ही फेमस भाई। लेकिन आओ गाइस अभी देखते हैं, रिवॉर्ड मिल गया मेरे को, इसका लेवल अप भी हो जाएगा भाई साहब, ये गाड़ी तो 300 जा रही, एक लेवल की गाड़ी 300 चली गई भाई, और मतलब इतना ऐसा टाइम नहीं लगा इसको। ओ शिट ये गाड़ी 400 जाने वाली है शायद से भाई, हो सकता है, मेरे को बताना इस गाड़ी का टॉप स्पीड, अभी मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि आगे टर्न वगैरह आ रहा है, आप लोग देखते रहो मेरे को कमेंट बता देना। भाई भाई साहब रास्ता खत्म हो गया, और टॉप स्पीड क्या थी गाइस मेरे को बताना, और शायद से गाइस ये गाड़ी और फाड़ के भाई और चल जाती, लेकिन यार रास्ता खत्म हो गया। बाकी यार गाड़ी को चलाने का क्या ही मजा आ रहा है, इसका नॉस वगैरह ऊपर लगा है भाई, गाड़ी तो एक नंबर है यार, गाड़ी तो एक नंबर है गाइस, गाड़ी को मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता कि ये गाड़ी अभी से रेस खेलेंगे गाइस सीरियसली। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये गाड़ी एक लेवल की है, बहुत से लोग बोलेंगे भाई मैक्स से मैं, अरे एक लेवल की भैया, एक लेवल की गाड़ी इतनी खतरनाक। अरे अच्छा ये मेरे को स्किन मिला ना, इसीलिए जरासी क्लासिक हासुका का कूसा दे रहे हैं। तो यार हो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी सिर्फ एक लेवल की है, आप लोग देख लो भाई ये गाड़ी एक लेवल की है, और अभी मैं इस गाड़ी को अपग्रेड बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं सीधा इससे रेस खेलूंगा। ओके गाइस अपनी पोर्शे आ चुकी है रेस के अंदर, लेट्स सी भाई एक लेवल की पोर्शे लेकर क्या मैं इस मैच को जीत पाता हूँ। सामने की तरफ मेरे को मर्सिडीज सुपरा वगैरह दिख रही है, लेट्स सी क्या होता है। भाई इस गाड़ी का एक्सेलरेशन तो मैंने जैसा बोला एक नंबर, BMW और ये जो मर्सिडीज वाला इसको पीछे कर दिया, बस यार सुपरा वाला आगे जा रहा है, मैक्स लेवल होगी उसकी, क्योंकि यार ये जो पोर्शे इसका आप देख सकते हो अपन सेकंड पे चल रहे हैं, और मेरे को लगता है वो सुपरा मैक्स है तभी वो आगे जा रही है। आ जाओ गाइस क्या पता मैं जीत जाऊँ इस मैच को, अरे सुपरा वाले भैया आप तो ठुक गए, और वो देखो मर्सिडीज वाला भी ठुक गया भाई, ये लोग पता नहीं क्यों टर्न नहीं ले पाते। और बाकी इस गाड़ी को मैं पहली बार रेस में खेल रहा हूँ, और इसका अरे इनका चालू हो गया गाइस, ये देखो इनका ठोका था कि चालू हो चुका है भाई। इस गाड़ी को ना मैं पहली बार चला रहा हूँ, और इसका थोड़ा सा
भाई इसका थोड़ा मतलब कंट्रोल अजीब सा है भाई, मतलब यार खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि खराब सी चल रही है, मस्त चल रही भाई मस्त का। ऐसा फील हो रहा है ना इस गाड़ी को चलाते समय कि मक्खन लगा दिया इसके टायर के नीचे। ओके आओ इसको भी पीछे कर दिया गाइस, तुम्हारा भाई एक लेवल की गाड़ी लेकर। वैसे यार ये गाड़ी भी तो है खतरनाक, सोचो एक लेवल की ऐसी है, मैक्स कर दूं भाई साहब। मैक्स करने के बाद मेरे को इस गाड़ी को देखना यार, आप लोग बताओ। फिलहाल वो देखो बेचारा ठुक गया, ब्रेक नहीं मारा भाई ने, भाई सीधा एक्सीलेटर दबा के चल रहे थे। यार ये गाड़ी मक्खन फील हो रही है यार, मैं आपको कैसे समझाऊं। आपको कभी ये गाड़ी मिले भाई चला के देखना, मतलब यार अब कैसे चलाओगे, आपको खरीदनी पड़ेगी, लेकिन भाई मक्खन फील हो रही है सीरियसली, कुछ ज्यादा ही मस्त चल रही है यार ये गाड़ी, खतरनाक है। अगर मैं ड्रिफ्ट ना भी मारूं ना तो भी ये गाड़ी टर्न लेगी, और वो फिर से ठुक गया बेचारा, पूरी कोशिश की मर्स। ओ देखो ठोक रहा है भाई, आ चुका है, फिर से आ चुके हैं अपन रेस के अंदर। अब देखते भाई क्या मैं दोबारा जीत पाता हूँ, पहली मैच तो अपन ने जीती ली थी, लेट्स सी। ओके फिलहाल तो मैं ही आगे हूँ, और यार स्किल टेस्ट अनलॉक नहीं है ना यार इस गाड़ी से, मेरे को पार्कूर खेलना है, उस पे टाइमर लगा है। अरे भाई ये क्या चला रहा है गाड़ी को, और वो भी देखो पता नहीं कौन ही आगे चला गया। अरे वो ठुक गया, अरे बेचारा बेचारा क्या ठुका है। बाकी यार ये गाड़ी का मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको, एकदम मक्खन फील हो रही है। इसको भी पीछे कर देंगे, ये जो आगे चल रहा है ना, अभी बताता हूँ उसको, रुको अभी उसको पीछे करूँगा, सेकंड हूँ अभी फिलहाल, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मैं सेकंड रहूँगा नहीं गाइस, ये बात आपको भी पता है। तुम्हारा भाई यार गाड़ी एक लेवल हो चार लेवल हो फर्स्ट ही आता है। आ जाओ, कहाँ गया भाई, चलो वो भी अच्छी ड्राइविंग कर रहा है यहाँ पे, अभी तक ठुका नहीं वो बंदा। लेट्स सी गाइस वो बेचारा यहाँ पे कब तक अच्छी ड्राइविंग कर पाता है, क्या वो मेरी तरह हर बार बचेगा। अभी तक आगे ही चल रहा है, लेकिन पक्का वो गलती करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही टर्न वगैरह आ रहा है। ओके आ जाओ, ओके आ जाओ गाइस, अब ये पीछे हो जाएगा, मैं इसके बहुत क्लोज आ चुका हूँ, और ब्रेक मारो। अरे यार ये बंदे ब्रेक क्यों नहीं लगा पाते भाई, मैंने बराबर ब्रेक मार दिया और वो बेचारा आगे ही चला गया। अरे भैया एक्सीलेटर के साइड में ब्रेक भी होता है, एक्सीलेटर के लेफ्ट साइड में ब्रेक है भैया, उसका यूज किया करो। लेकिन आओ गाइस तुम्हारा भाई फर्स्ट पे आ चुका है, अब तुमको मालूम है फर्स्ट पे मैं आ चुका हूँ, तो भाई पीछे जाने का कोई सवाल कुत्ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता नहीं और कोई गाड़ी है जो तुम्हारा भाई को बीट कर पाए। फिलहाल तो खतरनाक ही चल रहा है सीन। अरे यार मैं भी यहाँ पे मजे में ना भूल ही गया टर्न मारना। लेकिन आओ भाई इसको चला रहा हूँ ना, अलग सा फीलिंग आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसको बाकी गाड़ियों जैसा हैंडलिंग नहीं है भाई, इसका थोड़ा सा अलग ही है, और इस मैच को भी फर्स्ट आ गए भाई। अब आ जाओ गाइस थोड़ा सा यहाँ पे अपने बुगुताता को भी ड्राइव कर लेते हैं, अपनी बगताता, अपनी बुगाटी चिरॉन। और भाई साइड में देखो आप, यार मैं अपनी पोर्शे रख के आया और यहाँ पे कोई और पोर्शे लेकर आ गया। अरे भाई ये वाली मैच में यार पोर्शे लानी चाहिए थी, लेकिन कोई ना, अपनी बगताता लेकर। यार वो मैक्स लग रही है मेरे को, सामने की तरफ देखो गाइस वही वाली पोर्शे है और उसके पास वही वाला स्किन है, शायद से उसने क्रिएट वगैरह खोल के निकाला है। और सामने की तरफ एक अवेंटाडोर भी दिख रही है। तुम्हारा भाई फिलहाल थर्ड पे है, लेट्स सी क्या होता है। यार अभी तो यहाँ पे सीधा रास्ता है ना, वो क्या आगे टर्न आया, वो दो नमूने ठूक गए और मैंने बचा लिया। मैं नहीं ठुकता भाई, मैं नहीं ठुकता, थर्ड पे हूँ अभी तक। यार गाड़ी बहुत खतरनाक है सामने वाली, अवेंटाडोर तो भाई जो ही, और अपनी गाड़ी अपनी बगताता मैक्स नहीं है, नहीं तो बताता उन दोनों को, बहुत आगे चल रहे हैं ना। यहाँ पे जो सीधा रास्ता है ना भाई, बगताता मैक्स होने के बाद जो ही स्पीड फाड़ती है ना, अभी बताता मैं, लेकिन मैक्स नहीं है अपनी बगताता, कर देंगे गाइस जल्दी इसको मैक्स कर देंगे। आप फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, बगताता तुम्हारा भाई मैक्स कर देगा। अभी आओ कोई तो भी पीछे आ रहा है भाई मेरे, कोई तो भी पीछे आ रहा है गाइस, कौन है वो पता नहीं, आवाज से तो समझ में नहीं आ रहा, शायद से इलेक्ट्रिक पोर्शे, क्योंकि आवाज आई नहीं उस गाड़ी की इतनी क्लोज थी, शायद से इलेक्ट्रिक पोर्शे वो, आखिर में पता चल जाएगा वो गाड़ी कौन सी है। अभी यार यहाँ पे इतना सीधा रास्ता है ना, सीरियसली मैं उनको चेस कैसे करूँ, क्योंकि वो गाड़ी मैक्स है और वो आगे जाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़े टर्निंग वगैरह आते तब बंदे पक्का ठुकते। और ये देखो यहाँ पे कोई तो ठुका है, कौन है ये पोर्शे वाला ठुका था यहाँ पे देखो। और कमॉन यार रास्ता सीधा है, लेकिन बगताता उसको चेस कर रही है, कमॉन नहीं हो पाएगा यार, वही बोल रहा हूँ मैं, रास्ता सीधा है ना गाइस, वो चला गया आगे। अगर रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे टर्न वगैरह ज्यादा होता तो इस मैच को भी फर्स्ट आ जाते, लेकिन आओ इस मैच को कम से कम
ये देखो इलेक्ट्रिक पोर्शे बोला था ना। लेकिन गाइस आजकल बस इतना ही, आपको मेरी पोर्शे कैसी लगी मेरे को बताना, और इस बगताता को मैक्स करना है कि नहीं भाई बताओ जल्दी। आजकल बस इतना ही गाइस, तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, पूरा तो लाइक ठोक देना। कल मिलते हैं, बाय।